हाय दोस्तों, आज हम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर सप्लाई चैप्टर में स्क्रीनिंग के बारे में जानेंगे। स्क्रीनिंग के ऊपर एक पिछला वीडियो है जिसमें मैंने मैक्सिमम डिटेल्स डिस्कशन कर दी है। ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अब स्क्रीनिंग में जो जो पॉइंट रह गया है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्क्रीनिंग को दो हिस्सों में क्लासिफाइड किया है, जो कोर्स स्किनिंग एंड फाइन स्किनिंग। ये जो कोर्स स्किनर है, इसमें स्किनिंग करने के लिए जो छल्ला या जाली लगाया जाता है उसका सेंटर टू सेंटर डायमीटर है 20 to 100 millimeter के बीच में। ये स्किनर को जो इंक्लाइन पोर्शन में रखा जाता है उसका वैल्यू है 3 to 6 वर्टिकल एंड 1 हॉरिजॉन्टल, जो फ्लो एरिया को इंक्रीज करने में सहायता करती है और वेलोसिटी को रिड्यूस करता है। इस कोर्स स्किनिंग का दूसरा नाम है स्ट्रेच रैक। अब आते हैं फाइन स्किनर में। सो फाइन स्किनर में जो छल्ला या जाली है उसका रेंज हमेशा 10 मिलीमीटर से कम होना चाहिए। ये फाइन स्किनर मैक्सिमम वे में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये छल्ला थोड़ी ही समय में ब्लॉक हो जाता है और इसका हेड लॉस भी इंक्रीज करता है, जिसके वजह से वाटर प्यूरिफाई कैपेसिटी घट जाता है। अब जानेंगे हम माइक्रोस्ट्रेनर के बारे में। ये माइक्रोस्ट्रेनर एक स्किनर का अपडेटेड वर्सन है जो हम इस समय में इस्तेमाल करते हैं, जो मॉडर्न वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हम इसे यूज करते हैं। ये माइक्रोस्ट्रेनर यूज होते हैं स्टोरेज वाटर को स्किनिंग करने के लिए। ये बेसिकली लार्ज अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव करने में इस्तेमाल होते हैं। बट ये माइक्रोस्ट्रेनर प्लैंकटन, एल्गी एंड अदर स्मॉल साइज पार्टिकल्स को रिमूव नहीं कर सकते। ये माइक्रोस्ट्रेनर वाटर ट्रीटमेंट प्यूरिफिकेशन का जो लोड है उसको रिड्यूस करते हैं। माइक्रोस्ट्रेनर यूज करने के लिए जो आइडियल पोजीशन है इनटेक के आगे। ये माइक्रोस्ट्रेनर यूज करने पे जो डायरेक्टली हेल्प होता है जो स्लो सैंड एंड रैपिड सैंड फिल्टर में। ये माइक्रोस्ट्रेनर स्लो सैंड एंड रैपिड सैंड फिल्टर में 50% एफिशिएंसी बढ़ा देता है। सो यही था माइक्रोस्ट्रेनर। अब हम प्री क्लोरिनेशन के बारे में जानेंगे। प्री क्लोरिनेशन बेसिकली यूज करते हैं उस रॉ वाटर में जिसमें टर्बिडिटी से ज्यादा हाई बैक्टीरिया कंटेंट है। इस प्री क्लोरिनेशन में हाई डोज क्लोरीन दिया जाता है जिसका रेंज है 2 to 5 मिलीग्राम पर लीटर तक। प्री क्लोरिनेशन में क्लोरीन ऐड करने पर रॉ वाटर में मौजूद ऑक्साइड, आयरन एंड मैंगनीज सेटल हो जाते हैं। इसके अलावा प्री क्लोरिनेशन में एल्गी मारने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। प्री क्लोरिनेशन एल्गी कंट्रोल, कलर रिड्यूस, ऑक्साइड पार्टिकल्स सेटल करने में भी सहायता करती है। जिस रॉ वाटर में सिल्ट की मात्रा ज्यादा है, मतलब जिस वाटर में टर्बिडिटी ज्यादा है, ये प्री क्लोरिनेशन ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये सारा क्लोरिन सिल्ट एब्जॉर्ब कर लेता है जो बिना सेटलमेंट करे ही। इसके अलावा भी ये प्री क्लोरिनेशन इस्तेमाल किया जाता है ग्राउंड वाटर में, जहाँ पे अमोनिया का मात्रा बहुत ज़्यादा है उसको रिमूव करने में भी प्री क्लोरिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इस वीडियो का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए।